स्थानीय नाई दादा की बाड़ी में 7 दिवसीय संगीतमय शिव पुराण कथा 2 फरवरी से आरंभ हुई। शिव पुराण कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर प्रकाश गुप्ता, पत्नी बिंदुबाला गुप्ता एवं गुप्ता परिवार द्वारा करवाया जा रहा है। कथा का रसपान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रतलाम के गुरुजी श्री आचार्य विनोद शर्मा के मुखारविंद से करवाया जा रहा है। कथा आरंभ के पूर्व नगर में कलश यात्रा निकाली गई। कथा में आचार्य शर्मा जी ने बिल पत्र को तोड़ने के नियम बताए गए। उन्होंने कहा कि पेड़ पर चढ़कर कभी भी बिल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बिल पत्र के नीचे बैठकर दान देने से फलीभूत होता है। कथा में सूत जी द्वारा भस्म लगाने के प्रसंग को सुनाया गया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु अगर भस्म प्रतिदिन लगाते हैं तो यम भी दूर रहता है। आचार्य द्वारा रुद्राक्ष की माला और तुलसी की कंठी धारण करने का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव कहते हैं, जब भी भक्त रुद्राक्ष पहनकर आता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। रुद्राक्ष की महिमा को लेकर कहा कि घर के पूजा घर में रुद्राक्ष रखने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। रुद्राक्ष धारण करने के बाद भक्त को मांस मदिरा प्याज लहसुन से दूर रहना चाहिए। भगवान शिव के रुद्राक्ष के 2 मुखी रुद्राक्ष समस्त कार्य के लिए हैं। 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी के रुद्राक्ष धारण करने के नियम बताए गए। आचार्य ने कथा के दौरान व्यासपीठ से धर्म ग्रंथ को लेकर कहा कि जीवन में नयापन लाने के लिए अपने ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। शिव पुराण की कथा में गृहस्थ जीवन जीने के लिए है। शिव पुराण कथा का श्रवण करने के लिए आसपास के श्रद्धालु पधार रहे हैं। तीसरे दिन की कथा का आरती के बाद विराम हुआ। डिजियाना न्यूज निमाड़ बिस्चान। ठीक है, निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।